ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वर्ड आई से, देन वी स्टार्ट आवर वर्क. जस्ट, ये बॉय है, ठीक है. इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? ही डैश आर प्लेइंग विथ आ बॉल. बॉल के साथ टू गर्ल्स खेल रही हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे. TH EY, दे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए दे यूज़ होता है. नेक्स्ट है इज़ रनिंग. डॉग जो है वो रनिंग कर रहा है. ओके, तो इसके लिए क्या यूज़ हुआ है? IT, IT. अब थ्री बॉयज़ जो हैं आर रीडिंग बुक. वो रीडिंग कर रहे हैं बुक की, तो उनके लिए क्या यूज़ होगा? दे. इट्स टू मच इजी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, और ये नेक्स्ट अगली क्लासेस में भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. ओके, नेक्स्ट है डैश इज डांसिंग. डांसिंग यानी कि एक लड़की है जो डांस कर रही है. पिक्चर्स को डिस्क्राइब किया गया है. ओके, गर्ल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वर्ड? शी. डैश इज मेंडिंग अ कप. अब ये बॉय है और ये कप की मरम्मत कर रहा है, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? ही. डैश इज सिटिंग डाउन. ये कैट जो है वो बैठी हुई है, तो कैट के लिए, डॉग के लिए, बेजान चीज़ों के लिए हमने क्या यूज़ किया था? इट. ओके, आई अगेन रिपीट विथ स्पेलिंग डैश ARER PLAYING प्लेइंग WITH विद BALL बॉल. डैश आर प्लेइंग विद द बॉल. दे. डैश इज रनिंग. IT इट. इट IS इज RUNNING रनिंग. डैश आर रीडिंग बुक. ARER READING रीडिंग. BOOKS बुक्स. डैश आर रीडिंग बुक्स. दे. डैश इज डांसिंग. DAN डांसिंग. ING सिंग डांसिंग. कौन डांसिंग कर रहा है? शी यानी कि गर्ल. SHE शी. डैश IS इज MENDING मेंडिंग. CUP कप. कौन मेंडिंग कर रहा है कप को? HE. IS इज SITTING सिटिंग. DOWN डाउन इज सिटिंग डाउन. IT इट. नेक्स्ट है नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. एग्जाम्पल ही इज. ये भी वैसे ही है जैसे हमने ऊपर किया है. इज आर डॉग. डॉग के लिए क्या यूज़ होगा? इट. मैन के लिए क्या यूज़ होगा? ही. गर्ल के लिए क्या यूज़ होगा? शी. आर जब आर आ जाता है. एक चीज़ और मैंने आपको बच्चों बतानी थी, अगर इज होगा तो ही और शी और इट के साथ इज यूज होगा, लेकिन जब दे होगा तो उसके साथ आर यूज होगा. आप लोगों ने ये बेसिक ट्रिक कभी नहीं बोलनी, यानी कि ही शी इट, यहाँ पर ही शी इट के साथ इज यूज हुआ है और THE दे के साथ ARER यूज हुआ है. अब देखिए जैसे कि ARER, ठीक है, दे. ARER दे. अब यहाँ पे आर बॉयज. THEY दे. इज अ कैट. कैट के लिए इट यूज़ होगा. बॉय के लिए ही यूज़ होगा और वुमेन के लिए शी यूज़ होगा. इट इज़ टू मच इजी. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट.